और आज सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। यूपी में योगी सरकार ने कांवड़ पथ की सुरक्षा और कांवड़ियों की सुविधा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। इस बार कांवड़ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से निगरानी होगी, तो वहीं कांवड़ पथ के आसपास की सभी नॉनवेज और वाइन शॉप को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और इधर मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और हरिद्वार बॉर्डर तक कांवड़ियों के रास्ते पर 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और जिसके जरिए कांवड़ पथ की निगरानी होगी। शुरू हो गया आस्था का सावन, कांवड़ पथ पर आस्था की यात्रा। योगी सरकार तैयार, कांवड़ यात्रा जोरदार। आज से आस्था का महीना सावन शुरू हो गया है। ऐसे में हरिद्वार के गंगा घाटों से जल लाकर भगवान शिव के अलग अलग मंदिरों में जल अर्पण करने के लिए कांवड़ियों का हुजूम निकलने वाला है, और उनकी भक्ति में कोई खलल न पड़े इसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने खास तैयारी की है। कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी करते हुए योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज होटल, रेस्टोरेंट्स और वाइन शॉप पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पूरे सावन रास्ते में खुले में मांस बेचने की इजाजत नहीं होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। भड़काऊ बयान देने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटने को कहा गया है। आयोजकों को अनुमति देने से पहले शपथ पत्र देना होगा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हाईवे पर पड़ने वाले अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की गाइडलाइंस का असर भी दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज्यादा कांवड़ पथ पड़ता है, इसलिए कांवड़ मार्ग पर एक एक नॉनवेज की दुकान बंद करा दी गई है। वाइन शॉप भी पूरे सावन बंद रहने वाली है। साथ ही होटल रेस्टोरेंट के बाहर तिरपाल से डिस्प्ले बोर्ड्स को ढक दिया गया है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का मेन पॉइंट है। यहां से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लिए कांवड़ यात्री गुजरते हैं। मुजफ्फरनगर में 7 रास्तों से कांवड़िए गुजरते हैं। सभी रास्तों पर साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग और सीसीटीवी के इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर जिले को 9 जोन और 80 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां अधिकारियों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। 1527 सीसीटीवी कैमरों से शहर में निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ के संबंध में जितना भी हमारा मेन दो रूट है, एक नहर पटरी का रूट है और दूसरा एनएच का रूट है, और मगर ओवरऑल अगर हम मानते 7 रूट हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग पूरा महादेव जी भी जाते हैं मंदिर बागपत को और शामली भी जाते हैं, तो जितना भी कांवड़ रूट है इसमें से करीब 80 सेक्टर और 9 सुपर जोन में बांटा गया है, और 12-12 घंटे का अधिकारी ड्यूटी लगाई गई है। साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो ढाबे पे है ना, रेट लिस्ट है ना, जो ढाबा है दुकानदार है उनको रेट लिस्ट भी निर्देशित किया गया कि रेट लिस्ट पहले से ही इनको ये करें, एंड इसका ये भी किया गया है, इंश्योर भी की गई है। इसके अतिरिक्त जो मीट की दुकानें हैं, मीट और जो भी दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है, ताकि कोई आस्था का कोई ये नुकसान ना हो, एंड इसके संबंध में सख्त निर्देश भी जारी किए। मुजफ्फरनगर में यात्रा की खास तैयारी है, तो कांवड़ पथ में पड़ने वाला दूसरा बड़ा जिला मेरठ भी तैयार है। यहाँ कांवड़ मार्ग पर निगरानी के लिए 1000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। सीएम योगी ने पिछले हफ्ते ही इस बारे में कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। अपने को प्रदेश के अंदर वास्तव में रूल ऑफ लॉ लागू होगा, और ये रूल ऑफ लॉ सुशासन की पहली शर्त है। आपने देखा होगा पहले ही स्तर पर आज प्रदेश के अंदर हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई व्यवधान नहीं, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे नहीं। अभी आपने देखा होगा बकरीद कितनी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, इससे पहले रामनवमी का आयोजन या ईद का आयोजन कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अलग अलग राज्यों में, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भले ही कुछ हुआ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं। किसी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।